दोस्तों मैं वापस आ गया एक और नई बेबी इन येलो स्टोरी वीडियो के साथ। और सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। गणेश जी के आशीर्वाद हम सब आप सभी को मिल जाए, ये दुआ करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक दूसरी दुनिया से, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आप कह सकते हो वो एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग तरह की वस्तुएं चीज़ें वगैरह करते थे, खोजबीन करते थे। तो उन लोगों ने अचानक से एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया, समझ रहे हो, दूसरी दुनिया का अलग सा दरवाज़ा खोल दिया। और उस दूसरी दुनिया का के अंदर जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उनको दिखते हैं येलो शर्ट पहने हुए कुछ छोटे नादान से बच्चे। अब उनको पहले तो वो लोग उधर ही जाके ऐसे एक्सप्लोर करते थे, उनको कुछ पता नहीं था वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा था, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि उसकी वजह से कुछ सीकर्स जो कह सकते हो पागल भी हो गए। ठीक है, कुछ लोग पागल भी हो गए। उसके एक पागल वाली रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भी सुनाता हूँ कि कैसे ये जो ब्लॉग बनाने वाले रॉबर्ट आर्क हैम ये जो भी है उसने उधर गया और वो कैसे पागल हो गया। August 15th, log 633. I woke with the incredible idea to redecorate with no one else around. Why not make the place my own? And I have this burning desire to paint the walls yellow. Yellow. So vivid in hue and really such a fun word to say. Yellow. 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 This is the yellow room. Yellow, 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 yellow. Log ending. Soon to be yellowly. तो इस पागलपन से बचने के लिए उन लोगों ने एक खास तरीके का मास्क बनाया, जो हमें एकदम कह सकते हो प्लेग डॉक्टर जो 19वीं शताब्दी में थे उसके जैसा ही दिखता है। प्लेग डॉक्टर के मास्क की तरह ही उनका मास्क दिखता है, ताकि वो वहाँ के उस जहरीले वातावरण से बच सके। तो उन लोगों ने सारे के सारे बच्चों को वहाँ से अपनी दुनिया में लेके आ गए, बहुत सारे बच्चों को, और उन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने वगैरह उनकी बेबी सिटिंग कह सकते हो एक तरीके से करने लगे। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पर जो निकोलस आर्क हैम है वो निकोलस आर्क हैम ने खुद यहाँ पर बच्चों के लिए ये डॉल्स बनी हुई है। अगर जब न्यूट कॉम फिक्स करने जाते हैं डोर स्टॉपर ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर नंबर 3 का कमरा खोल के देखना, उस नंबर 3 के कमरे के अंदर आपको बहुत सारी डॉल्स दिखेंगी। और उन डॉल से रिलेटेड उन लोगों उन्होंने एक कह सकते हो एक व्लॉग भी बनाया हुआ है। January 22nd, log 285. My dolls have confirmed apartment 10 as a new yellow site. The baby and his sitter so far remain unaware of my activities. Is it egotistical that I made the dolls look like myself? Maybe, but who's to judge? You? Log end. अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उस बिल्डिंग के अंदर के बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके मरने लग गए। मतलब वहाँ पर जो ऑनर सीकर्स थे वो भी मरना स्टार्ट हो गए थे, जो वो लोग भी मरना स्टार्ट हो गए थे। और उसका सबूत हमको मिलता है लाइब्रेरी के ऊपर जो जगह है वहाँ पर बहुत सारे मतलब 3 से 4 जनों के मास्क उधर टंगे हुए होते हैं, और वो कैसे मरे उसकी कहानी मतलब वो कैसे मरे उसका कारण भी उन्होंने वहाँ पर लिखा होता है। तो उन लोगों ने थोड़ी सी जाँच पड़ताल की, उनको पता चला कि ये सब कुछ असल में ये बच्चे कर रहे थे। तो उन लोगों ने एक अलग तरीके से कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उनको लगा कि शायद ये बच्चों के ऊपर शायद कुछ वहाँ के वातावरण का कुछ असर हुआ होगा, इसलिए उन लोगों ने उन बच्चों को थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने शायद से एक दवाई का एक तरीके से फूल कह सकते हो, जिसके फल के थ्रू वो बच्चों को फीडिंग करा सकते थे, ऐसा उन लोगों ने शायद से पेड़ का इजाद कर दिया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमको मिलती है लेबोरेटरी में, जो साइड में किचन है उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश करता हूँ। April 4th, log 566. Right.
The flower specimen 32C brought back from Carcosa shows promise and could just be the reagent I've been searching for. The trick was finding a method to administer it to the child without getting too close. Luckily, his babysitters have no problem feeding him countless bottles of mysterious liquid. These experiments may be the key to our salvation. Logan. तो उनको उम्मीद थी कि शायद से वो लोग जो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर कर रहे थे, जो दवाई उनको दे रहे थे, उससे वो ठीक हो सकते थे। तो अचानक से उन लोगों ने शायद कुछ अलग सा केमिकल बना दिया, जिसकी वजह से जो उनको फीडिंग कराने की वजह से उनके अंदर पेड़ की शक्ति अब वो जन्मजात भी हो सकती है। शायद उनके अंदर पेड़ पौधों वाली शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से वो पेड़ की तरह ही दिखते हैं। अगर हम बेबी इन येलो का फाइनल फॉर्म को देखें तो वो एकदम एक तरीके से पेड़ ही लगता है। उसके पैर नहीं है, उसकी जड़ें हैं, वो जड़ों के थ्रू चलता है और वो हमें उठाता भी एकदम पेड़ के ही सहारे से है। तो शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन जो अलग दुनिया के जो मॉन्स्टर्स हैं उनके बीच और यहाँ के इंसानों के बीच जंग छिड़ गई होगी, फाइट तगड़ी हो रही होगी और उस फाइट के चलते उन मॉन्स्टर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा के इस लेबोरेटरी को ऊपर हवा में उठा दिया। जी हाँ, ये लेबोरेटरी ज़मीन पर है ही नहीं, ये हवा में है और ना ही कोई फ्लोटिंग आइलैंड पर है। ये असल में पूरी की पूरी लेबोरेटरी एक पेड़ के ऊपर है। पेड़ ने इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। अगर हम इसके गार्डन से नीचे झाँक के देखें तो हमें वहाँ पर बहुत सारी कह सकते हो जड़ें दिखाई देंगी। वो असल में पेड़ के डालियाँ हैं जिसके ऊपर हम अभी भी खड़े हैं। अब उन लोगों ने शायद से उस दुनिया में जाके कोई तो खास सा एलिमेंट ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से जिस एलिमेंट की वजह से वो लोग कमज़ोर पड़ने लगे, मतलब राक्षस कमज़ोर पड़ने लगे, और उसी एलिमेंट को यूज़ करके इन लोगों ने अपने वेपन्स बनाए होंगे और उनसे लड़के उन सभी मॉन्स्टर्स को उस दुनिया में वापस से बंद कर दिया होगा। अब दुनिया में तो ढकेल दिया, दरवाज़ा तो बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो एक परमानेंट दरवाज़ा है जो बंद नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों ने शायद वहाँ पर कन्फर्म वहाँ पर एक पत्थर की सील वाला डोर लगा दिया ताकि वो मॉन्स्टर्स कभी भी यहाँ पर ना आ सके। और उसकी चाबी उसकी चाबी वो कोर ही था और वो कोर एज ए डिफेंस कह सकते हो वहाँ पे लगाया हुआ था एज ए जायरोस्फीयर। उसको एक वेपन की तरह यूज किया। जब तक वो जायरोस्फीयर सही से स्पिन कर रहा है तब तक वो बेबीज कभी भी बड़े मॉन्स्टर्स में तब्दील नहीं हो सकते, किसी को हार्म ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम भी जब गेम के अंदर एंटर होते हैं वो बेबी नियोलो जब तक वो जायरोस्फीयर ढंग से चल रहा है हमें घंटा कुछ नहीं करता, लेकिन जब वो जायरोस्फीयर टूट जाता है हमारे पीछे हाथ धो के पीछे लग जाता है भाई, मारने के लिए बहुत पीछे लगता है वो। तो जब तक जायरोस्फीयर सलामत है हम सलामत है। और जायरोस्फीयर से रिलेटेड एक कह सकते हो संदेश या फिर वार्निंग उन्होंने एज अ टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग उधर रखी हुई है, जहाँ पर हम ये अलग अलग जो ब्रूइंग करते हैं वहीं पर टेबल के साइड में एक टेप रिकॉर्डर है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश करता हूँ। Gyrosphere and the world door above the alchemy room remain the last bastion between our reality and that of the unspeakable one. Should I be driven mad and forget my duties, I leave this recording as a reminder. Never open the door and never allow the gyrosphere to stop spinning. If the rings ever so much as waver, it will find you. Log end. यहाँ पर निकोलस आर्कहेम किसकी बात कर रहे होंगे? ऑब्वियसली बेबी इन येल्लो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बहुत सारे वो ऐसे राक्षस हैं और वो राक्षस उस दीवार के तरफ मतलब उस दीवार के उस पार हैं तो ये आखिरी बच्चा रह तो रह कैसे गया? शायद ये गलती भी हो सकती है कि गलती से वो दरवाजा के इस पार रह गया और वहाँ पर भेजा नहीं गया, अब दरवाजे के इस पार आ गया। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उनको उस तरफ धकेला है। अब अगर दरवाज़ा खोलते तो भैया अपनी मौत को ज़रूर है बुलाते, इसलिए उन लोगों ने शायद से उस दरवाजे के इस पार ही इसको रहने दिया, क्योंकि अगर वो दरवाज़ा खोलते तो वो बच नहीं पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन लोगों ने इसको यहाँ पर रखा होगा, वो लोग शायद इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे।
उसकी दवाइयाँ का एक्सपेरिमेंट भी हमको दिखता है। मैं जैसे कि मैंने पहले किचन वाली रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी, तो वो लोग अलग अलग दवाइयाँ बना के इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ इसके बाद ये कि यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं स्टार्ट हो गई। यहाँ पर भी भले ही बच्चा यहाँ से गया नहीं, लेकिन वो उनको कुछ भी करने नहीं देता था। लाइब्रेरी में जब भी जाओ तो बुक फेंक के मारता था, या फिर गायब होकर डराना वराना ये सब कुछ करता था। वो डरा तो सकता है, वो इल्यूजन्स ज़रूर दिखा सकता है, असली फॉर्म में आके हमें मार नहीं सकता। इसीलिए गेम के अंदर भी हमें बच्चा तंग करता रहता है, जैसे कि हमारे ऊपर किताबें फेंकना, हमें डराना, यही हरकतें बच्चा करता रहता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये यहाँ पर रहा तो या तो हमें चांसेस जीने ही नहीं देगा। तो उन लोगों ने पेंटिंग ट्रैवल का आविष्कार किया, उसके चलते उन लोगों ने शायद से टाइम को रिवाइंड करने वाला भी कोई आविष्कार किया था, क्योंकि उसका कैमरा, अगर हम कैमरा रूम में देखें तो वहाँ पर पेंटिंग ट्रैवल से रिलेटेड उसका फ्रेम भी है और साथ ही में वो कैमरा भी है, जिससे टाइम को रिवाइंड किया जा सकता है। जिसकी फ़ोटो खींचोगे वो टाइम में रिवाइंड हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा, मतलब टूटा हुआ है लीवर, टूटा हुआ है उसको, उसकी फ़ोटो खींचो तो वो लीवर वापस से फिक्स हो जाता है। तो पेंटिंग ट्रैवल के थ्रू वो लोग इसको इस बिल्डिंग को हमें लेके आ गए, जहाँ पर ये शिप चैप्टर वगैरह घटना हुई उस बिल्डिंग में इस बेबी को लेके आ गए। और वो अकेला बेबी नहीं लेके आए, ठीक है, अकेला बेबी नहीं था, बहुत सारे सीकर्स जो है वहाँ पर आने लग गए, मतलब उनको लेके चले गए ताकि उस बच्चे को अच्छे से संभाल सके, वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे करके उन सभी को ख़त्म कर देगा, ज़्यादा सीकर्स बचे ही नहीं। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर और जो वाइट रैबिट चैप्टर और जो शिप चैप्टर है उसके अंदर का बेबी सीटर और कोई नहीं, हम ही है। और उसका जो कह सकते हो एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, उसकी एक टेप रिकॉर्डिंग हमें उसी घर के अंदर मिलती है। वो टेप रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। Curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर हस्तूर और कसिल्डा इन दोनों की बात की गई। अब ये कौन हो सकते, शायद से मतलब उनकी गैर मौजूदगी, मतलब शायद से उनका नाम यहाँ पर लेना गुनाह कह सकते हो या फिर गलत है, तो वो शायद से इन बेबी नियलोस का साथी भी है कह सकते हो, या फिर कोई पागल साइंटिस्ट जिसने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया। अब धीरे धीरे करके सारे के सारे वॉचर्स कह सकते हो, सीकर्स वो गायब होने लग गए, मरने लग गए। निकोलस आर्कहैम को बात का पता चल गया, तो उसने उसका रास्ता छुपा के रखा। वहाँ पर पेंटिंग ट्रैवल है, घर के अंदर ही है पेंटिंग ट्रैवल, लेकिन बंद है। अगर आप कैट चैप्टर लगाते हो, ब्लैक कैट नहीं, वाइट रैबिट चैप्टर आप अगर लगाते हो, तो उसके अंदर भी उसी रूम के अंदर अगर आप जाके देखोगे जहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं, तो उस रूम के ऊपर ताला लगा मिलेगा, और उस ताले की चाबी दरवाजे के पीछे एक किताब है उसके अंदर छिपाई हुई मिलेगी। अब वो किससे छिपाई हुई है, बेबी इन येलो से, ताकि वो बच्चा कभी भी उस ट्रैवल का यूज़ करके, उस टेक्निक का यूज़ करके, उस दरवाजे से कभी भी यहाँ पर आके वो दरवाज़ा ना खोल ले। क्योंकि अगर इसने ये दरवाज़ा खोल दिया तो समझ लो भैया सबकी शामत आ गई। और यही होता है जब भी हम ब्लैक कैट उस बेबी सीटर को अपने साथ बुलाती है, वो बेबी सीटर तो जाती है,
बेबीसिटर जो जाता है जाती है कौन है मालूम नहीं, लेकिन बेबीसिटर तो उधर जाता ही है, उसके पीछे पीछे ये बेबी नियल्लो भी आता है। वहाँ पर एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं और हमारे ऊपर नज़र भी रख रहे होते हैं, उसके सबूत भी आपको मिल जाते हैं। एक जगह पर तो ऐसे है कि बेबी नियल्लो इस दुनिया में आया भी नहीं है और वहाँ पर साक्षात हमें उसका थोपड़ा दिखता है। अब वो उस दुनिया से इस दुनिया में कोई जादू नहीं कर रहा होता है, वो उसी दुनिया से यहाँ पर आने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन ये थे कौन? ये थे दूसरे बेबी नियल्लोस जो यहाँ पर कह सकते हो इनविजिबल फॉर्म में है, हमको थोड़े हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, बस देख रहे हैं हमको, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमको चिढ़ाना देखना यही हरकतें करते हैं। इसलिए अगर हम कॉरिडोर में जाके देखें तो वहाँ पर एक बेबी इन येल्लो का शक्ल है जो हमें थोड़ी सी डरावनी सी लगती है बीच में। और ये लाइब्रेरी के अंदर का जायरोस्फीयर, हम जायरोस्कोप सॉरी क्या बोल रहे हो, ग्लोब लाइब्रेरी के अंदर एक ऊपर ग्लोब है, जब हम बिल्ली को दिखाते बिल्ली की तरफ लैडर को लगाते हैं तब वो ग्लोब एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे उस ग्लोब को घुमाएंगे वहाँ पर हमें एक खतरनाक सी आँख दिखाई देगी, जो एक एक्चुअली में आँख है, बेबी नियल्लो की आँख कह सकते हो, वो एक आँख है शैतान की आँख, क्योंकि जब भी हम उसको फाइनल पोषण पिलाते हैं, मतलब गलती से वो पोषण बनाया हुआ है, वो जो हम आखिरी में फाइनल पोषण पिलाते हैं उससे उसकी ताकत कम नहीं होती, उल्टा उस पोषण की वजह से उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसी वजह से तो वो जायरोस्फीयर को तोड़ पाता है, वो जायरोस्फीयर को पूरी ताकत लगा के तोड़ पाता है। बेबी फॉर्म में वो बेबी नियल्लो ज़्यादा पावर्स यूज नहीं कर सकता, वो बस चीज़ों को फेंकना यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, मार तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर फॉर्म में ही सकता है और कुछ नहीं। अब अगर आप जायरोस्फीयर के रूप में जाके देखोगे वहाँ पर एक पोस्टर भी मिल जाएगा जिसमें साफ साफ दिख रहा है ऊपर जायरोस्फीयर है, नीचे उसका बेबी नियल्लो का चिन्ह बना हुआ है और उस पर क्रॉस किया हुआ है, मतलब जब तक जायरोस्फीयर ढंग से चल रहा है तब तक तो ये मॉन्स्टर हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और हाँ, जो हमने पहले चैप्टर के अंदर जो तीन रातों में जो तीन कहानियाँ बच्चे को सुनाई थी, वो तीन कहानियाँ अपने आप में ही थोड़ी सी अजीब हैं, मतलब कह सकते हो वो भविष्य बताती हैं। उन तीनों कहानियों का संबंध मैं बताता हूँ। सबसे पहली कहानी राजकुमार और बिल्ली, वो बिल्ली की कहानी में जैसे बिल्ली राजकुमार को अपने पीछे बुला के बागीचे में लेके जाती है, वैसा ही सीन हमारे साथ भी होता है, मतलब बेबी सिटर को बिल्ली अपने पीछे पीछे बुला के उस दुनिया में लेके जाती है। और उस कहानी में जैसे राजकुमार सारे के सारे पेड़ पौधों को उखाड़ता है, सारे पत्तियों को तोड़ता है, वैसे ही लैब उसके चैप्टर में, ब्लैक कैट के चैप्टर में बागीचे के अंदर वो बेबी नियल्लो वैसी ही हरकतें करते हैं, डिट्टो वैसी। तो ये तो थी पहली कहानी की भविष्यवाणी। दूसरी कहानी राजकुमार और खरगोश में कहानी, ये असल में वाइट रैबिट चैप्टर से जुड़ी हुई है। वाइट रैबिट चैप्टर में जैसे वो पुलिस वाला कह सकते हो, पुलिस वाला या फिर कोई और अनजान आदमी, वो बेबी सिटर नहीं था, वो जैसे बेबी नियल्लो को देख के भागता है, जैसे उससे बचने की कोशिश करता है, बच के भागता है, वैसा ही उस कहानी के अंदर हमारा खरगोश भागता है और महाराज कुमार से बचता है। इसके अंदर नहीं बचता, वो अलग बात है, सीधा नर्क में चला जाता है, बेबी नियल्लो की दुनिया में चले जाता है वो। और तीसरी कहानी शिप, मतलब भेड़ और राजकुमार, वो तो डिट्टो पहले शिप चैप्टर की है, लास्ट नाइट की है, उसी सीकर कह सकते हो, सीकर या फिर बेबी सीटर बोल लो, उसी से रिलेटेड है, उसके अंदर भी कुछ वैसे ही होता है, उसमें भी वैसे होता है, जब भेड़ को जब बच्चे को कपड़े बदलने होते हैं भेड़ कपड़े बदल देती है, बच्चे को पीना कुछ पीने का इच्छा होती है भेड़ उसको एक द्रव पिलाती है, डिट्टो वैसी कहानी इसके अंदर भी होती है, बच्चे को भूख लगती है बेबी सीटर उसको दूध पिलाती है, बच्चे के कपड़े बदलने हो तो बेबी सीटर उसकी उसका डायपर चेंज कर देती है। तो ये और आखिर के आखिर में जैसे राजकुमार उस उन भेड़ों को अपने अंदर अपने कह सकते हो सपनों में खाता है या फिर खा जाता है, सचमुच में खा जाता है उनको, उनको ये बोलता है कि मेरे सपनों में आओ, वैसे ही वो बेबी सीटर को भी खा जाता है, बेबी नियल्लो वैसे ही बेबी सीटर को खा जाता है, मतलब तीनों की तीनों कहानियाँ अपने आप में भविष्यवाणियाँ हैं। तो ये तो थी सिर्फ आधी कहानी, अब आगे की कहानी में क्या हो सकता है, शायद से
हम आगे की कहानी में निकोलस आर्कहम बन के खेलेंगे, लेकिन जब भी ये अपडेट आएगा, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में ये अपडेट आया मैं ज़रूर खेलूँगा। अगर आपको वो अपडेट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रख लेना, ताकि पता चले कि कब वो वीडियो डालूँ। लेकिन वो अपडेट आना ज़रूर चाहिए यार, मैं तो उस अपडेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कितना इंतज़ार कर रहे हो, आप कितना एक्साइटेड हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।